कोरोना संक्रमण के लिए तहसील सदर प्रशासन की तरफ से महानगर में लगाए गए कोरोना जांच शिविर का गुरुवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बख्शीपुर स्थित द क्रॉस मॉल में आयोजित कोरोना जांच कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना की जाँच कराई जाए तथा कैंप के समाप्ति के पश्चात साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, यदि ये टीम नहीं बनेगी तो व्यक्ति की सपोर्ट की गंदगी नहीं होगी। आपकी गंदगी तो इन्हें साफ करने वाला कोई नहीं है। और उनके लोग भी चले जाएंगे बेचारे तो साफ नहीं करेंगे। शहर में हमारे 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मेडिकल ऑनलाइन यूनिट के माध्यम से निःशुल्क कोरोना शिविर लगाया जा रहा है। शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन है उन कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों का उन शिविरों में निःशुल्क टेस्टिंग कराई जा रही है। इसी संदर्भ में आज क्रॉस रोड मॉल पर लगने वाले कोरोना शिविर का निरीक्षण माननीय कमिश्नर सर के द्वारा किया गया। कमिश्नर सर ने वहाँ पे व्यवस्था देखी किस तरीके से टेस्टिंग कराई जा रही है कंटेनमेंट जोन के लोगों की, और निर्देश दिए कि इस टेस्टिंग को इसी तरीके से बदस्तूर रखा जाए। अब अभी जो 5 दिन हमारी टेस्टिंग हो रही है उसको बढ़ाकर 7 दिन की भी कमिश्नर सर ने सीएमओ साहब और अन्य अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी संदर्भ में फिर उसके बाद फिर हम इलाही बाग महफिल मैरिज होम गए, वहाँ पे भी टेस्टिंग को देखा। आज बारिश के कारण बहुत सारे लोग निकल के नहीं आए थे, फिर भी हमारी टेस्टिंग आज अच्छी हुई है। कल भी ये कैंप लगेंगे, आज इसी संदर्भ में हमने मीटिंग भी की है। कल भी 22 जगहों पे अलग अलग जगहों पे कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पे कंटेनमेंट जोन के लोगों की कोरोना टेस्टिंग होगी। कोई भी लक्षण वाला व्यक्ति जिसको थोड़ा सा लक्षण नज़र आ रहे हैं वो इन शिविरों में जाकर अपनी जाँच करा सकता है। ये निःशुल्क शिविर हैं, यहाँ पर पहुंचकर अपनी कोरोना के संबंध में जितनी भी आपकी वो हैं उसी को कुछ भी लक्षण नज़र आता है तो वहाँ पर पहुंचकर इनकी जांच करा सकता है।